हाय दोस्त लोग, कैसा है? अब सोचा आज का दिन तुम लोग का एक अच्छा दिन हो जाएगा लगता है। इंशाल्लाह आज आपको ओ ग्रैंड एवेन्यू का 13वां एपिसोड देने के लिए हम प्लान करते हैं। ये ग्रैंड एवेन्यू का लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह इसका बाद हम येलोवा और बरसा जाने के लिए प्लान था। उसमें भी नए ब्यूटीफुल स्टेट्स है तुर्की में। हम आपको इसमें वीडियो देने के पहले मेरा दोस्त लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करके मेरा चैनल डेवलप करने के सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद हम तुम लोग का ए इस्तिक्लाल स्ट्रीट का वो बाकी वीडियो देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम पहले भी दो तीन वीडियो में बोल दिया इस्तिक्लाल स्ट्रीट का फीचर्स एंड इसका हिस्ट्री में थोड़ा हम किधर से भी क्लिक किया, उसमें डिटेल दे दिया था। और एक एडवांस ये रास्ता में इतना बारिश आएगा तो पूरा पानी उसी टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा है। अभी भी थोड़ा बारिश का टाइम था, थोड़ा बारिश है हम वीडियो करने के टाइम उस टाइम भी थोड़ा बारिश था, लेकिन इतना नहीं दिखता है। देखिए 5 रुपये भी नहीं दिखने देखने के लिए। ओ आने टूरिस्ट उस बारिश का कुछ ख्याल भी नहीं है, लोग कंटिन्यूस घूम रहे हैं। ट्वेंटी 24 आवर्स में ओ टूरिस्ट इसमें फुल टाइम ऑक्यूपाइड है। इसमें दोनों तरफ में बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, ब्रांड का दुकान है, सारा ज्यादा 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 भी मिल जाएगा लेडीज के लिए। अभी तुम आगे इसे जाने के टाइम तुम्हारा लेफ्ट साइड में मिलेगा एक रोमन कैथोलिक का चर्च है। हमारा लेफ्ट साइड में लाइट है ना, उसका बाजू एक बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है तुम्हारा राइट साइड में। और आगे और एक है, सीधा 1.8 किलोमीटर में दोनों तरफ में बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड का स्टोर्स है और म्यूजिकल इक्विपमेंट्स का दुकान है और सिनेमा है, पब है, क्लब से सारा मिलेगा। इसमें देखो कितना आदमी लोग कितना खुशी में कितना इंटरेस्ट में मेरा वीडियो का वेव करते हैं। ये लोग का इतना इंटरेस्ट में एंजॉय करता है ये नाइट। ये हम वीडियो करने के टाइम अभी तकरीबन और टाइम 10:30 रात को है। रात को 10:30 के बाद है हम अभी बाहर आए हैं, मेरा डिनर के बाद हम बाहर आए हैं जो वीडियो करने के लिए। उसी टाइम भी ये रास्ता रश है, सुबह 4 बजे का बाहर आएगा तो वो भी ये रास्ता रश है। इतना बिजनेस का रास्ता है। तो ये मेरा लेफ्ट साइड में एक गली है। ये गली के अंदर बिल्कुल रेस्टोरेंट है, फ्लावर का स्टोर है, फ्रेश फ्लावर्स है। हर टाइम पे अच्छा अच्छा मिल जाएगा इसमें। देखो उस रास्ते में सीधा ऊपर जाने के दूसरा रास्ता में जाने तक, दूसरा नीचे तकरीबन आधा किलोमीटर का ऊपर है, सीधे नीचे जाने तक रेस्टोरेंट है। और भी रेस्टोरेंट भी 24 आवर्स बिजी, तकरीबन 4 बजे से 5 बजे तक वो लोग शिफ्ट चेंज होने के लिए बंद कर ले, बाद में सफाई के लिए बंद करते बस। ये भी सारा बंद नहीं करते, एक एक बंद करने के टाइम दूसरा चालू है। ओ आने जाना गेस्ट का कुछ डिस्टर्ब नहीं होने के लिए वो लोग ये भी तरतीब करके रखता है। ये रास्ता का विजिट करना सारा एक अच्छा फन टाइम मिल रहा है ये रास्ता में। ये बात करने के और कोई भी
कोई भी बात करे को तो वेरी फ्रेंडली बात कर लाए। वो मुल्क का स्टाइल भी ऐसा लगता है, लेकिन ये उधर का लोकल है और टूरिस्ट ही बोल के नहीं देख सकता है। क्या रीजन क्या है, ये मुल्क तुर्की है ना, एशियन यूरोप का मिक्स है, आधा यूरोप है आधा एशियन है, मिक्स है। इसके लिए कौन कौन बोल के नहीं मालूम हो जाएगा, लेकिन उस पर बात करेगा तो मालूम है किधर क्या बोल के। लेकिन बहुत बहुत अच्छा बात करना लोगे। हम सोचते हैं ये इस्तिक्लाल एवेन्यू का दिया वीडियो में तुम लोग एंजॉय किया बोल के, एंजॉय किया कि तो इसका थम्ब अप करके, लाइक करके, मेरा चैनल का सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करना है, डेवलप करने का। इसके बाद हम एक दो तीन सिटी में घुमाया चाइना में, इसके वीडियो देने के हम तैयार हो रहे हैं। मेरा चैनल देखने का सारा का बहुत शुक्रिया है।